स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। और कई बार आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है 2020 का, उसको जारी किया गया है। इसको कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ये पूछता है कि इसको किस एजेंसी ने या फिर किस पर्टिकुलर सोर्स ने जारी किया है, इसका सोर्स क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सर्फ शार्क जो है एक ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर है, और इसी ने क्या किया है, डिजिटल क्वालिटी जो लाइफ है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको शॉर्टकट में DQL के नाम से भी जानते हैं, उसने इसको रिपोर्ट को जारी किया है। अकॉर्डिंग टू इट, इंडिया रैंक अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट क्वालिटी। अगर इंटरनेट क्वालिटी की बात किया जाए तो जितने भी देश ने पार्टिसिपेट किया है उसके आधार पर भारत को सबसे लोवेस्ट रैंक दी गई है, मतलब इंटरनेट क्वालिटी के आधार पर। मतलब ये माना जाता है कि भारत में इंटरनेट की जो क्वालिटी है अभी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये कहीं ना कहीं आपका पैंडेमिक में जो है ये आपका सिग्निफिकेंट हो जाता है कि किसी भी देश का जो आपका डिजिटल क्वालिटी है वो कैसी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इस पर्टिकुलर सर्वे में सभी देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है कि इंडिया को आपका सबसे लोवेस्ट मिल गया तो पूरे विश्व में लोवेस्ट है। फिलहाल हम समझते हैं और पॉइंट्स को। अगर कवरेज देखा जाए तो इट इज़ ग्लोबल रिसर्च ऑन द क्वालिटी ऑफ डिजिटल वेलबींग इन द 85 कंट्रीज। लगभग 81% पॉपुलेशन पर ये वाला जो आपका सर्वे है वो किया गया था, और इसमें केवल 85 देश जो है, 85 कंट्री है वो आपका यहाँ पे शामिल है। इसमें यूरोप के कई सारे देश हैं, और इसके साथ साथ आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के देश हैं। तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से इंडिया का जो अगर इंटरनेट क्वालिटी की बात किया जाए तो उसके बेसिस पे आपका सबसे लोवेस्ट रैंक है। और समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन पैरामीटर्स के आधार पर इसमें जो डिजिटल क्वालिटी है, डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पे मेजर किया गया है। ठीक है, डिजिटल क्वालिटी लाइफ को यहाँ पे मेजर किया गया, जैसे द स्टडी इंडेक्स एंड द कंट्रीज बाय द लुकिंग एट द 5 फंडामेंटल पिलर्स। इस स्टडी को 5 फंडामेंटल पिलर्स पे क्या हुआ स्टडी करके ही इसको आपको जारी किया गया है। दैट डिफाइंस द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेमली इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी मतलब कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट को अफोर्ड कर पाते हैं उसकी प्राइसिंग के हिसाब से। इंटरनेट की क्वालिटी क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट की क्वालिटी के मामले में इंडिया का सबसे लोअर रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब यह है कि जैसे आपके पास रिसोर्स क्या है नेट का यूज़ करने का, क्या आपके पास स्मार्टफोन है, क्या आपके पास अच्छा लैपटॉप है, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में आ जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बात करें, कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज़ें इंटरनेट पर सर्च करते हो तो वो हैक नहीं होगा या फिर वो आपका बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसकी क्या गारंटी है, इस बेसिस को भी पैरामीटर बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट जो है मतलब वो कितना स्ट्रांग है, मतलब कि रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज, जैसे कि ई वेस्ट कलेक्शन हो गया, ई वेस्ट में कोई भी पॉलिसी हो गई, या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो आपका किस लेवल का होना चाहिए, या फिर उसके रिसाइकलिंग की क्या प्रोसेसेस हैं, वो सारे गवर्नमेंट जो आपका गाइडलाइन जारी करती है वो किस तरह से किसी भी देश में आपका देखने को मिलता है। इन सभी पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर मैंने बता दिए, इन 5 फंडामेंटल पिलर्स के आधार पर इसको क्या क्या इंडिकेट किया गया। अगर और भी बात करें तो दीज पिलर्स आर द 12 इंडिकेटर्स एंड दैट आर द इंटर रिलेटेड टू द वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ करें तो इन 5 फंडामेंटल पैरामीटर्स के बेसिस पे 12 इंडिकेटर्स को सेलेक्ट किया गया, और उसमें क्या हुआ कि इसके इंडेक्स को यहाँ पे निकाला गया है। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ कि ग्लोबल रैंक क्या है या फिर किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो अगर मैं बात करूँ 7 out of 10 कंट्रीज ऑफ द हाईएस्ट DQL आर इन द यूरोप। यूरोप में 10 जो आपका यूरोपीय कंट्री ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें से 7 कंट्री जो है वो आपका टॉप पे है और हाईएस्ट DQL डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। इसी तरीके से डेनमार्क जो है वो आपका पहले नंबर पे आता है, और 85 देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मैं बार बार बता देता चल रहा हूँ जिससे कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरीके से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक्सेल इन द ऑफरिंग हाई क्वालिटी डिजिटल वेलफेयर वेलबींग ऑफ दियर सिटीजन्स। इस तरीके से आपका इस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर DQL जो है वो आपका अच्छा देखने को मिलता है। कैनेडा की बात करें तो वो आपका अमेरिकन कंटिनेंट में जो है, आपका जो उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका है उसमें से कैनेडा जो है वो आपका टॉप पे है। इसी तरीके से जापान जो है वो आपका एशिया में टॉप पे है। साउथ अफ्रीका जो है आपका अफ्रीका कंटिनेंट में टॉप पे है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड जो है वो आपका ओशियानिटिक में जितने भी देश पाए जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो, तो इन सभी देशों में न्यूजीलैंड टॉप पे है। तो कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसी तरीके से आपका ये भी आपको कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। जो भी मेन पॉइंट है उसको हमने बताने की कोशिश की है, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने 5 अलग अलग पैरामीटर्स की चर्चा की थी, 1, 2, 3, 4 और 5। पहला पैरामीटर आपको मैंने बताया कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी की बात करें, ई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपका उसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, ई गवर्नमेंट की बात करते हैं। समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूँ इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की तो इंडिया का 9th रैंक है। ठीक है, एंड द अपर फॉर्म ऑफ द कंट्रीज लाइक UK, USA एंड चाइना, ये इंडिया से ऊपर है, लेकिन इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में 9th प्लेस है, ये आपको जाना चाहिए।
इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो 78th है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही लोअर रैंक है इंडिया की, मतलब 85 कंट्री है उसमें से आपका 78th रैंक है, तो मतलब लोवेस्ट रैंक ही हुई है, बहुत ख़राब रैंक हुई। सो एंड इज़ ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ पिलर, ये आपका बहुत ही नीचे है, मतलब इंटरनेट की क्वालिटी जो है वो आपका उतनी अच्छी नहीं है इंडिया में। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 79th पोजीशन है, इसमें भी आपकी हालत ख़राब है। एंड बिलो द कंट्रीज़ लाइक गौटेमाला एंड श्रीलंका, तो ये कुछ ऐसी कंट्री है जिससे भी इंडिया पीछे चल रहा है, जो होना नहीं चाहिए उस तरह के यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बात करें तो 97वां पोजीशन है, 57th पोजीशन है। ई गवर्नेंस की बात किया जाए तो 15th पोजीशन है। इस तरीके से हमने कवर करने की कोशिश की कि आपका जो हाल ही में रिलीज किया गया है DQL 2020, जिसको हम डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के नाम से भी जान सकते हैं, तो उसका 2020 में जो इंडेक्स है वो इंडिया की क्या पोजीशन है, कौन कौन से इंडेक्स में पैरामीटर, मैंने ढेर सारे बताया, जैसे मैंने यहाँ पे ढेर सारे पैरामीटर की चर्चा की, तो अलग अलग पांच पैरामीटर हैं, तो पांचों अलग अलग पैरामीटर्स में क्या रैंक है उसको भी हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।